फ्रेंड्स मैंने बनाया है ब्रेड सैंडविच। ये सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। तो इसे आप इजी तरीके से 5 मिनट में कैसे तैयार कर सकते हैं मैंने इस रेसिपी में बताया है, तो आप इस रेसिपी को देख लीजिए। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड सैंडविच। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला, मेरे विदान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ एक सैंडविच की रेसिपी जो कि झटपट बनेगा और बिल्कुल 5 मिनट में बनेगा। तो आप कभी भी इसे, जब कभी भी आपको ब्रेकफास्ट करना है या भूख लगे छोटी मोटी, तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सुपर हेल्दी सैंडविच है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सैंडविच ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस ब्रेड के लिए है, और इस ब्रेड को हमें क्या करना है कि इसके जो साइज के एजेस है उसमें निकाल लेनी है। तो इसे मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ। तो अगर आपको इसे निकालना पसंद नहीं है तो आप इसे ना निकालें, और अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे निकाल लें। तो नाइफ जो है अच्छी नुकीली होनी चाहिए, शार्प होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसके साइड के एजेस निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं दूसरे पीसेस के भी निकाल लेती हूँ। यहाँ पर हमने ब्रेड के एजेस को, साइड वाले एजेस को हमने निकाल लिया है, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। अब हम सैंडविच की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैं एक मिक्सिंग बोल लूंगी, और इस बोल में मैंने ये जो वेजिटेबल्स मैंने कट किए हैं, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज और धनिया पत्ती। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक प्याज, मीडियम साइज का प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और एक टमाटर और एक शिमला मिर्च। तो बारीक बारीक आपको इसे चॉप कर लेनी है, और इसमें ऐड करेंगे हम ये धनिया पत्ती। इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे, और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं 2 पिंच के करीब तीखी लाल मिर्च यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक, चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, और इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो मिक्स पिज्जा हर्ब्स। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, सभी को पसंद आता है, बच्चों बड़ों को। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच मेयोनीज, मेयोनीज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सैंडविच की स्टफिंग हमारी तैयार है, अब हम बनाते हैं अपनी सैंडविच। सैंडविच की स्टफिंग तैयार है, तो हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेड, और ब्रेड के एक साइड में हम लगाएंगे टोमेटो सॉस, इस तरीके से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये टोमेटो सॉस को अच्छे से लगा दिया है। अब हम लेंगे ब्रेड का दूसरा पीस, और इसके ऊपर हम लगाएंगे ये मेयोनीज। तो मेयोनीज को भी हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। अब हम लेंगे सैंडविच की स्टफिंग, और जिसमें हमने टोमेटो सॉस लगाया है उसके ऊपर हम अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अच्छे तरीके से हमें इसे भर भर कर लगा देना है, इसमें कंजूसी नहीं करनी है, स्टफिंग बहुत अच्छे से हमें भर लेना है बराबर से। अब ये जो दूसरा पीस हमने लिया है वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से,
और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है। सैंडविच को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है, अच्छे से दबा लेना है ताकि सारी चीजें इक्वल हो जाएं। और अब हम इसे अच्छे तरीके से कट करेंगे। तो जैसा भी आपको शेप और साइज में कट करना है वैसा आप कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सैंडविच बहुत अच्छे तरीके से कट हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितनी टेम। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देख रहे हैं ना हमारी प्यारी सी सैंडविच, टेस्टी और डिलीशियस, और सबसे अच्छी बात सुपर हेल्दी सैंडविच बनकर तैयार है। इजी है, बस 5 मिनट लगे हैं इसे बनने में। तो आप भी इसी तरीके से सैंडविच को बनाइए। और आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आया है तो रेसिपी को जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल बिदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही इजी और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।